और आज हमारी क्लास नंबर दो है फिजिक्स की, है ना। फिजिक्स की क्लास नंबर दो और आज हम करेंगे वेक्टर की भी क्लास नंबर दो आज अपनी, ठीक है। देखो वेक्टर में हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से एग्ज़ाम के लिए। वेक्टर में हमने जो कल बात की थी वो जस्ट हमने समझा था कि वेक्टर क्या होता है। आज हम देखेंगे कि वेक्टर में जो एग्ज़ाम में जो पॉइंट्स आते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ वेक्टर और फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि नल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, है ना। बहुत से पार्ट्स अपन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब हम वेक्टर की कहने का मतलब है कुछ चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अब 9th या 10th क्लास में हो गए और आपके घर वाले कहेंगे बेटा उस लड़के के साथ मत बैठना, उस लड़के के साथ मत बैठना, अगर मैंने उस लड़के के साथ देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, है ना। क्यों? बिकॉज उस लड़के ने अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना एक करेक्टर डिसाइड कर रखा है आपके घर वालों के सामने, आपके सामने नहीं क्योंकि आप तो बैठोगे, है ना। यानी हम पढ़ेंगे एक प्रकार से करेक्टर, वैक्टर किस तरह से बिहेव करते हैं वो बात पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिसाइड किए जाते हैं। नॉर्मली जो अपन एंगल्स देखते हैं वैसे जो एंगल्स होते हैं वो वेक्टर में अपन नहीं डाल सकते या फिर वेक्टर में अपन नहीं डिजाइन कर सकते। मतलब एक प्रकार से अपन कह सकते हैं वेक्टर के बीच एंगल कैसे डिसाइड किया जाता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर और फिर वेक्टर्स का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। वेक्टर का ऑपरेशन कैसे देखेंगे कि वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, ये सारी बातें अपन वेक्टर्स की करेंगे, समझ में आया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। कहोगे सर टाइप्स ऑफ वेक्टर क्यों नहीं पढ़ रहे, पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी से। सबसे पहले पॉइंट अपना आप हेडिंग डाल सकते हैं, बाकी आपको PDF भी मिल जाएगी, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज मिलती रहें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में सबसे पहले जो वेक्टर की प्रॉपर्टी है वो है कि वेक्टर को अगर आप बदलना चाहते हो, समझ में आया, अगर आप वेक्टर को बदलना चाहते हो या फिर आप वेक्टर को बदलना नहीं चाहते तो आप किस तरह से बदल सकते हो, किस तरह से नहीं बदल सकते। अरे सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहे हो, सीधा सीधा बात क्यों नहीं बता देते। चलो सीधा सीधा बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर है ये, इसकी लंबाई है 5 मीटर और इसकी जो डायरेक्शन है वो है ए से लेकर के बी की तरफ, ए से लेकर के बी की तरफ, है ना। बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, ए से लेकर के बी की तरफ। अगर मैं इस वेक्टर को, मैं चाहता हूँ कि वेक्टर बदले नहीं, तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इसी वेक्टर को अगर मैं इसके पैरेलल में, या फिर कहने मतलब ये जैसे है, अगर मैंने इस वेक्टर को यहाँ पे रख दिया ए से बी और 5 मीटर, समझ में आया। वेक्टर को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो, ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ क्योंकि 5 मीटर ही लंबाई है और डायरेक्शन भी ये ही है। आप चाहते हो ये वेक्टर चेंज हो जाए तो आप इसे दो तरीके से चेंज कर सकते हो, है ना। इफ़ यू वांट द वेक्टर, इस वेक्टर में अगर आप चेंज चाहते हो, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। पहले तो आपने इसे छोटा कर दिया, 3 मीटर कर दिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं की। ये दोनों वैक्टर्स बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये 5 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, समझ में आया। अब मैं AB वेक्टर को, ये ही वेक्टर को मैंने ऐसे कर दिया, ये A और ये B, और मैंने 5 मीटर ही रखा। ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार मैंने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा है 5 मीटर, 5 मीटर यानी लंबाई मैंने सेम रखी है, लेकिन मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, ये इस तरफ कर दिया और ये था इस तरफ।
यानी वेक्टर को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हो। एक तो उसकी लंबाई, या कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड चेंज करके, उसका रिजल्ट चेंज करके, और दूसरी चीज़ है आप मैग्नीट्यूड को उतना ही रखो लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। बिकॉज वेक्टर का मतलब ये होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। आई होप समझ आ रहा होगा बड़ी अच्छे से, ठीक है, समझ में आया। चलो, यानी वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी है ये कि वेक्टर को अगर आप समान रखना चाहते हैं, यानी सेम रखना चाहते हो, तो उसके पैरेलल ही दूसरा वेक्टर उसी साइज का उसी डायरेक्शन में रख दो, वेक्टर सेम रहेगा। चलो एक एग्जांपल करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक आपके एग्जाम में आया हुआ एक एग्जाम्पल करते हैं। लेकिन और हाँ, आपको ये जैसे वेक्टर कंप्लीट होगा, वेक्टर कंप्लीट होने के नेक्स्ट बाद आपको एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो नो टेंशन रहिएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। जैसे कि मैं कहूँ आपके पास एक वेक्टर है एस पी और ये वेक्टर है 8 मीटर, क्वेश्चन है ये आपके पास। मैंने एक क्वेश्चन में वेक्टर दे दिया एस पी जिसकी डायरेक्शन है एस से पी और इसकी मैग्नीट्यूड है 8 मीटर, तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, बताइए इसके इक्वल कौन सा वेक्टर है। बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है देखो ये चार ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन है आपका कि बताओ इन चारों में से इस वेक्टर के बराबर कौन सा वेक्टर है, इस वेक्टर के इक्वल कौन सा वेक्टर है, तो बताइए। बताइए जल्दी से कौन सा वेक्टर है। तो देखो इस वेक्टर के बराबर अगर आप दूसरा वेक्टर देखना चाहते हो तो आपके दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए, डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी 8 मीटर ही होना चाहिए। कहने का मतलब है इसी दिशा में वो वेक्टर होना चाहिए, यानी डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी यही होना चाहिए, तभी जाके इस वेक्टर के इक्वल दूसरा वेक्टर अपन ला सकते हैं। ये है 8 मीटर का, बिल्कुल भाई, लेकिन ये जा रहा है इधर, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, यानी ये अपना ऑप्शन गलत हो गया, समझ में आया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, 8 मीटर का ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन तो इधर है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी गलत हो गया। तीसरी मैं बात करूं, डायरेक्शन इसके जैसे ही है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, यानी ये गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन है अपना डी ऑप्शन, डायरेक्शन भी ये ही है और मैग्नीट्यूड भी यही है, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। यानी आपको एक वेक्टर के समान, यानी एक वेक्टर के सेम दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है तो आपको उसी डायरेक्शन में और उसी लंबाई के यानी उसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करना होगा, समझ में आया पक्का। चलो अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, अगर ये नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए, फिर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो कल की क्लास में भी हमने कुछ वेक्टर्स के टाइप पढ़े थे, पोलर और एक्सियल। देखो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वेक्टर स्केलर क्या होते हैं वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका बेसिक रह ना जाए, क्योंकि अगर आपका बेसिक रह जाता है तो फिर आप चाहे 12th पास कर लो चाहे 11th, आपको वो हमेशा दर्द देगा, ठीक है। वंस देयर वाज अ गर्ल, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू टू फाइंड वाटर हेयर एंड देयर। कैसी लगी मेरी पोइम भाई? अरे सर ये पोइम नहीं है, ये एक स्टोरी है, आपको यही नहीं पता इतने बड़े हो गए कि पोइम क्या होती है स्टोरी क्या होती है, और आप हमें फिजिक्स पढ़ाने चले आए हो। चलो अपन देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो पोलर और एक्सेल हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स नाम से ही पता चल गया होगा, दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे, वो पिछली वाली बात मैं रिपीट करूँगा, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी कहलाते हैं तब, ये मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं ए बी और ये 5 मीटर, डायरेक्शन ए से बी इधर और मैग्नीट्यूड 5 मीटर। अगर इसके इक्वल वेक्टर मुझे दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना, मतलब इसके इक्वल इसके ही बराबर, तो मैं उसकी लंबाई और उसकी डायरेक्शन दोनों इसके ही बराबर रखूंगा। समझ में आया? ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर तभी होंगे दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों की लंबाई यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो। समझ में आया? पक्का कन्फर्म? चलो ये हो गए इक्वल वेक्टर। नोट कर लो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। लिखो, हेडिंग डालो जल्दी से, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब देखो नल वेक्टर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा। देखो नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? देखो ये है मेरे पास, यहाँ से ए पॉइंट है, मैंने कि ये बी पॉइंट कर दिया, इसकी लंबाई है 1 मीटर, मतलब इसकी डायरेक्शन है ए बी। मैं लिखूँगा ए बी जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो 1 मीटर है। समझ में आया? लेकिन जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसे भूल जाओ, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। जीरो वेक्टर का मतलब वो होता है कि उस वेक्टर की कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन है लेकिन उसकी लंबाई यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। जीरो वेक्टर को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, पक्का कन्फर्म? चलो समझ में आया? अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आप कन्फ्यूज मत होना। विच वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एंड इनडिटर्मिनेंट या फिर आप कह सकते हो अनसर्टेन डायरेक्शन, यानी बिना निश्चित, मतलब डायरेक्शन को उसका कुछ पता नहीं होता, किधर भी हो सकती है। समझ में आया? पक्का? चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर टाइप की, यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर समझे? पक्का कन्फर्म? अब यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं, सेकंड टाइप की चीज़ पढ़ते हैं, सेकंड टाइप की चीज़ पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। यार बार बार मुझे कैमरा देखना पड़ता है ताकि बोर्ड आपको पूरा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। ठीक है, अरे बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है, बताओ पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? चलो यस सर दिखाई दे रहा है। चलो देखो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो की बजाय एक हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो की बजाय एक हो जाए। मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, देखो एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। ये हो गया यूनिट वेक्टर, लो ए बी और ये 1 मीटर, ये यूनिट वेक्टर हो गया, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 मीटर ही हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 मीटर, यानी जिसकी लंबाई क्या हो 1 मीटर। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई नहीं होता, उसका रिजल्ट होता है, पर वो बाद में बात कर लेंगे, आप बस ध्यान में रखना। समझ में आया? 1 मीटर। आई होप समझ में आया होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, वैक्टर मान लो आपके पास एक चीज़ है ए वेक्टर, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू में डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब कोई भी वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और ये होगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर।
अब देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट यानी एक, मैंने मैग्नीट्यूड एक रख दिया तो ये क्या हो गया, एक कैप। यानी आपको कहीं भी ऐसा दिख जाए, कैसा कैसा कि एक्स कैप, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है एक और इसके डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ। आपको कहीं दिख जाए वाई कैप, कैप का मतलब आप समझ लेना, इसका मैग्नीट्यूड तो है एक और इसकी डायरेक्शन है वाई की तरफ, क्योंकि कैप का मतलब डायरेक्शन शो करना होता है। समझ में आया, पक्का कन्फर्म? चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो देखो आप ये देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर बताओ, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? देखो जो वेक्टर अपने बीच 90 डिग्री का एंगल रखते हो, जैसे कि ये दो वेक्टर हैं, एक की डायरेक्शन है इधर दूसरे की डायरेक्शन है इधर, उनके बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये दोनों हो गए ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब वे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। समझ में आया, पक्का? जिसका एंगल 90 डिग्री हो, बीच का एंगल। अब एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये है वाई एक्सिस, आपने पढ़ा होगा, ये है एक्स एक्सिस और बस बहुत है। कहोगे सर ये जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस में और एक वेक्टर है जेड एक्सिस में, दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, क्यों हैं भाई? क्योंकि बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। समझ में आया? अब मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ दूँ, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब है वे वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब आते ही आप समझ जाना, वो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ऑर्थोगोनल समझ गए। अब मैंने दे दिया यूनिट, यानी वो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री तो है, साथ में उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट यानी एक मीटर। समझ में आया, पक्का? चलो नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट आपके सामने आ गया इक्वल वेक्टर, हमने कर लिया लाइक और अनलाइक वेक्टर, लाइक और अनलाइक वेक्टर। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइक वेक्टर। देखो लाइक का मतलब क्या होता है, वो पसंद वाला लाइक नहीं कि आई लाइक यू, है ना, वो लाइक नहीं। लाइक का मतलब होता तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं यार आपकी जो शक्ल है ना उसकी तरह है, मतलब उसकी तरह है वैसी नहीं है। लाइक वेक्टर वो वेक्टर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है ये ए और ये है बी और आपके पास एक वेक्टर है ए से बी, इसकी मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, आपके सामने दूसरा वेक्टर है डायरेक्शन वही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है 8 मीटर, तो ये हो गए लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही तरह है, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, उनकी एक प्रकार से लेंथ अलग अलग है, लेकिन आप कह सकते हो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, ये हो गए लाइक वेक्टर। क्या हो गए? लाइक वेक्टर। समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पे 5 मीटर लिख देता, 5 मीटर, तो आप कहोगे सर ये तो इक्वल वेक्टर हो गए। इक्वल वेक्टर क्यों हो गए? 5 मीटर 5 मीटर, डायरेक्शन सेम दोनों की, ये तो इक्वल वेक्टर हो गए। यानी अपन कह सकते हैं इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर हो सकते हैं भाई, दोनों लाइक वेक्टर भी तो बोल सकते हैं। लाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है समझना,
लाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है? समान डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, बस डायरेक्शन देखनी है हमें। अगर डायरेक्शन सेम तो लाइक वेक्टर, मैग्नीट्यूड भूल जाओ, लंबाई भूल जाओ, डायरेक्शन सेम तो लाइक वेक्टर। ये दो मार्कर हैं, ठीक है मेरे पास ये दो मार्कर हैं, अरे रुक जा यार, ये दो मार्कर हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये लाइक वेक्टर हो गए। हमें नहीं पता ये छोटा मार्कर बड़ा मार्कर, उससे कुछ नहीं लेना। अनलाइक वेक्टर का मतलब है, अनलाइक वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन ओपोजिट, यानी अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं एफ बी के अनलाइक वेक्टर खींचो, एफ बी जो वेक्टर है उसका अनलाइक वेक्टर बनाओ, तो अनलाइक वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन में हमें कोई वेक्टर खींचना है, ये हो गया अनलाइक वेक्टर। समझ में आया? लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक मतलब ओपोजिट डायरेक्शन, ये हो गया अनलाइक वेक्टर। समझ में आया? लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, और इक्वल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो कन्फ्यूजिंग पार्ट मैं बताता हूँ आपको। एक नई चीज आपके सामने आएगी, ओपोजिट वेक्टर। ओपोजिट वेक्टर हो गए सर, ये क्या चीज आ गई? ओपोजिट वेक्टर। ओपोजिट वेक्टर का मतलब है कि मान लो आपके पास ये हो गया 5 मीटर और एफ बी, इसके ओपोजिट वेक्टर बनाना है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर होना चाहिए, लेकिन इसके ओपोजिट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, समझना, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ। चलो मतलब बिल्कुल सिंपल सा है यार, आपके पास एक है पी और आपके पास एक है क्यू, ये है 8 मीटर। मैं कहूँ इसके ओपोजिट वेक्टर बताइए, तो ओपोजिट वेक्टर का मतलब है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके ओपोजिट वेक्टर बताइए। चलो ओपोजिट की नहीं करेंगे, सारी चीज़ें समझाता हूँ। मैं कहूँ इससे इक्वल वेक्टर बताइए, इसके इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर मतलब मुझे इसी डायरेक्शन में और इसी लंबाई का यानी इसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाना होगा, तब ये दोनों इक्वल वेक्टर बन जाएंगे। यानी मैंने इसके इक्वल एक और वेक्टर बना दिया। अब मैं कहूँ ओपोजिट वेक्टर, ओपोजिट वेक्टर का मतलब है सेम लंबाई का लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट हो जाएगी। इसका ओपोजिट वेक्टर हो गया, ये इसका इक्वल वेक्टर, ये इसका ओपोजिट वेक्टर। समझ में आया? मुझे इसका इक्वल वेक्टर बनाना था, मैंने बना दिया। मुझे इसका ओपोजिट वेक्टर बनाना था, मैंने बना दिया। अगर मैं बात करूं लाइक वेक्टर, मुझे इसके लाइक वेक्टर बनाना है, लाइक मतलब इसी डायरेक्शन में बनाना है, मुझे लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मीटर या 9 मीटर कुछ भी मान लो, यानी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसके लाइक वेक्टर का मतलब इसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो। एन लाइक वेक्टर मतलब इसके ओपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। समझ में आया? ये हो गया एन लाइक वेक्टर। अब देखो एक चीज बात करेंगे फाइनल, जो हमारा टाइप बच गया वेक्टर का, वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा समझने लायक भी है, कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आया होगा? कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में हो, यानी एक ही सरफेस पे हो। जैसे कि मैं आपको बात करूं, मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये हो गया है ना ऐसे, और दूसरा वेक्टर ये हो गया
ऐसे। ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं। ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये एक ही प्लेन में है, बोर्ड पर ही हैं, ये एक ही प्लेन में है। ये हो गए कोप्लेनर वेक्टर। ये या फिर आप ऐसे कर दो, या फिर आप ऐसे, या फिर आप ऐसे, या फिर ऐसे, समझ में आया? यानी कैसे भी वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन प्लेन एक ही है इस बोर्ड पर। लेकिन मैं कह दूं, एक वेक्टर तो ऐसे बनाओ और दूसरा वेक्टर ऐसे बनाओ। ये जो हैं ये हैं नॉन कोप्लेनर। ये एक प्लेन पे थोड़ी हैं, एक तो है बोर्ड से बाहर, एक है बोर्ड के ऊपर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे, समझ में आया? ये होता है कोप्लेनर वेक्टर। आई होप आप ये सब नोट कर रहे होंगे, कहीं आपका कोई भी पार्ट छूट ना जाए, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वेक्टर समझ में आ गए होंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोस्तों ये पार्ट थोड़ा इसे अच्छे से समझना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो आपके पास ये एक वेक्टर है ए और बी, ए और बी, और आपने एक दूसरा वेक्टर ले लिया बी और सी। आपने दूसरा वेक्टर ले लिया बी और सी। अगर मैं कहूँ इनके बीच का एंगल ड्रॉ कीजिए, तो आप कहोगे सर बी और सी ऐसे की ऐसे उठा के ले आओ, ये हो गया। लेकिन ये गलत है। कहोगे सर क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको, अगर आप दो वेक्टर्स के बीच एंगल ड्रॉ करना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। देखो ये होता है वेक्टर का टेल, और ये होता है वेक्टर का हेड। आपके पास एक वेक्टर है ये, और आपके पास दूसरा वेक्टर है ये, और इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री ये गलत हो जाएगा, आप एंगल ऐसे नहीं बना सकते। अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, तो आपको टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी ये जो लाइन है, ये इसके टेल से कनेक्ट करनी पड़ेगी, एंगल ये माना जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया? चलो दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल है ये, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर। मैंने कह दिया इसके बीच का एंगल बताओ, तो कहेंगे सर बीच का एंगल तो दे रखा है 60 डिग्री। लेकिन अपन ऐसे एंगल नहीं बना सकते वेक्टर्स के बीच। वेक्टर्स के बीच हमें एंगल चाहिए। वेक्टर्स के बीच अगर हमें एंगल चाहिए, तो अपन ये जो इस वेक्टर, ये जो बी वेक्टर, इसकी टेल कहाँ पे है, सॉरी हाँ टेल कहाँ पे इसकी, ये, और इस वेक्टर की टेल कहाँ पे है ये, इन दोनों को मिलाएंगे, तब जो वेक्टर बनेगा वो एक्चुअल वेक्टर आएगा। इस वेक्टर को उठा करके, ये जो टेल है इसको मैंने ऐसे की ऐसे उठाया और मैंने यहाँ रख दिया, टेल टेल मिल गई दोनों की, और ये जो एंगल होगा एक्चुअल कितना होगा, 180 में से 60 कर दो, यानी 120 डिग्री। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लाइन लिखो एक, इफ यू वॉन्ट टू ड्रा एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स देन यू मस्ट, लिखो इफ यू वॉन्ट टू ड्रा एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स देन यू मस्ट बी कनेक्ट इट्स, लिख लिया क्या करोगे, कनेक्ट हेड टू हेड, नहीं टेल टू टेल।
एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर समझ नहीं आए तो टेंशन मत लो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपके पास एक ये वेक्टर है और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है और मैंने कह दिया बीच का एंगल 60 डिग्री है, या फिर आप दूसरा वेक्टर ऐसे ले लो, तो ये वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर भी, यानी यहाँ से यहाँ तक एक अलग वेक्टर है, ये डायरेक्शन चेंज हो गई, ये अलग वेक्टर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर तो ऐसा है, ये ए वेक्टर की टैल हो गई और ये वेक्टर का ये वेक्टर की हेड हो गया और ये टैल हो गई उसकी पूछ। आपको दोनों की पूछ से पूछ मिलानी है तो आप ए वेक्टर ऐसे करो और इसको ऐसे के ऐसे उठा के, ऐसे के ऐसे क्यों उठाना है, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना पूरा वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब ये होता है डायरेक्शन चेंज होते ही वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, मैंने बताया था। और ऐसे के ऐसे यहाँ पे रख दो और बीच का एंगल कितना होगा भाई, ये 130 था तो 180 में से 130 50 डिग्री। आई होप समझ आया होगा आपको, आज की क्लास अच्छी रही होगी आपके लिए। कल अपन बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और जल्द ही आपको केमिस्ट्री की क्लासेज भी मिलेंगी और रीजनिंग की क्लासेज भी मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ।